चलिए, आपको आदत हो गई अंदरों खबरों की पढ़ने की और जानने की, तो अंदर की एक और खबर आपको बता देते हैं। बड़ा मज़ेदार खबर है। अगर राजनीतिक रस बिहार का आप लेते रहते हैं तो इस रस को छोड़िएगा मत। 5 मिनट समय दीजिए, समझना पड़ेगा पहले कि समीकरण, उसके बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। हुआ यह है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी, एकदम मतलब कहा जाए तो राइट हैंड के, राइट हैंड में भी मैं कहूँगा उससे भी अगर गोल्ड प्लेटेड राइट हैंड हो, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ही राजनीति का शिकार हो गया है। धीरे धीरे पहुंचेंगे निष्कर्ष पर, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि नीतीश कुमार के पास अभी क्या ताकत है। नीतीश कुमार के पास 3 MLC बनाने की ताकत थी अपने विधायकों के दम पर, जिसको उन्होंने गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा को दे दिया है। अब नीतीश कुमार 4 सीटों पर चुनाव ला सकते हैं MLC के, 2 स्नातक, 4 स्नातक और 4 टीचर कोटे की, यानी 8 सीटें होती हैं। इसी में नीरज कुमार भी चुनाव लड़ेंगे जो कि मंत्री हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी ताकत जो उनके पास अभी है वो है 12 MLCs को मनोनीत करने की राज्यपाल के माध्यम से। 2014 के बारे में मैंने बताया था आपको कैसे भाजपा को, जब भाजपा से अलग होना था उनको, तो उन्होंने भाजपा को तोड़ने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। और ये जो व्यवस्था इन्होंने की थी इसके तहत ही 2014 में फिर इन्होंने कई लोगों को अपने करीबी बनाया MLC, फिर 15 में बनाया, और बाद में ये जो 12 सीटें हैं यही कहीं ना कहीं विवाद का कारण भी बनी थी, और इन्हीं सीटों की वजह से भाजपा के MLC कम थे। चलिए अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति में। आज की परिस्थिति ये है कि RJD के 5 MLC जो कल गए हैं नीतीश कुमार को छोड़कर, ये किस लोभ में गए हैं, ये क्यों गए हैं, इस पीछे जरा घुसने का प्रयास कीजिए। कल तो हमने आपको बताया था 2-3 कारण। एक तो तेज प्रताप का नाम सामने आ रहा था, दूसरा 2 बड़े एक कह सकते हैं बिजनेसमैन जिनका पार्टी से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, उनका नाम सामने आ रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद फारूक जो कि मुंबई के बिजनेसमैन है और पैसे रुपये वाला आदमी है, उनको मौका मिल रहा था। और दूसरा सुनील सिंह बिस्कोमान के जो अध्यक्ष हैं, ये भी पैसे वाले व्यक्ति हैं और लालू यादव के पुराने फाइनेंसरों में से एक हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों को नाम आज फाइनल हो गया है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग कल पार्टी छोड़कर अलग हुए थे। लेकिन बड़ी जो कहीं ना कहीं कहानी है वो किसी ने आपको नहीं बताई कि 12 जो MLC मनोनीत कर सकते हैं नीतीश कुमार, उनकी वजह से भी ये MLC उस तरफ जा सकते हैं। अब पूछिएगा इससे फ़ायदा नीतीश कुमार को क्या है, क्यों बाहर के बुला के लोगों को वो फ्री का रसगुल्ला खिलाएंगे, उसके पीछे कारण है। कल 5 MLC के हट जाने की वजह से राबड़ी देवी की जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जो सीट है, कुर्सी है, वो खतरे में पड़ गई और वो हिल चुकी है। अब उस कुर्सी को हिलाने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जब भूकंप आने वाला होता है बड़ा, तो छोटा छोटा जो छिटपुट जो कहा सकता है, धरती हिलना, छोटे छोटे भूकंप आना, छोटे रिक्टर स्केल पे माने 3.5, 3.6 इस तरह का भूकंप आते रहता है, ये साबित क्या करता है, ये साबित करता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ा भूकंप आने वाला है, और वही अब राजद को डराए रखेगा चुनाव तक। हमें पता है कि लगभग राजद के ऐसे 12 से 20 विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। हमने तो कल भी आपको बताया था कि भोजपुर के 2 विधायक सरोज यादव हैं और एक और व्यक्ति हैं, ये तो ऑलमोस्ट तय हो गया है कि नीतीश के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, लेकिन इन सभी को विधायक दोबारा अगर नीतीश कुमार बनाते हैं अपने पाले से, तो फिर ये MLC की जो सीट है 12, इसमें अगर देखा जाए तो 5 तो MLC कल ही एक तरह से बुक हो गया कि 5 लोगों को मनोनीत करना पड़ेगा नीतीश कुमार को सीधे तौर पर जो राजद से आए हैं। अब उसके अलावा कुछ लोगों का अपने जो सिटिंग विधायक है उनका भी टिकट कटेगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे उनको एकोमोडेट कीजिएगा, तो अपने जो टिकट है उसको तो काटना पड़ेगा ना, तो उन लोगों को भी MLC हो सकता है बनाना पड़े। तो ये नीतीश कुमार के पास जो 12 सीटें MLC की हैं ये बहुत कीमती हो जाती हैं। और कल मंथन चल रहा था, जब ये नाम फाइनल किए जा रहे थे तो मंथन चल रहा था, और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि पिछली बार अशोक चौधरी इसी माध्यम से MLC बने थे, तो क्यों ना इनको फिर से मौका दिया जाए, अशोक चौधरी के फेवर के लोग होंगे। अशोक चौधरी का कद आपको पता ही कि नीतीश कुमार के सामने काफ़ी बढ़ गया था कोरोना के दौरान, लेकिन जब RCP सिंह वापस आए, ललन सिंह वापस आए, तो इन दोनों ने मिलकर संजय झा और अशोक चौधरी का कद थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा कम किया, फिर भी अभी कद इनकी काफ़ी मजबूत है पार्टी में, नंबर 3 नंबर 4 पर तो डेफिनेटली इनका नाम आता है।
और पार्टी के कई पुराने चेहरे हैं जो भी इनकी अभी फिलहाल जी हजूरी में लगे रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नीतीश कुमार के अभी विश्वस्त लोगों में से ये हैं अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी का नाम सामने दिया गया कि इनको MLC भेजा जाए, तभी RCP सिंह के गैंग के बहुत सारे लोग, ये अंदर की खबर है, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नीतीश जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। नीतीश जी को ये अच्छे से पता है कि कौन नेता जीतने वाला है, कौन नेता जन नेता है और कौन नेता बस कहने के लिए नेता है। अशोक चौधरी बहुत पुराने नेता के पुत्र हैं और इनका जमीनी पकड़ बहुत तगड़ा है। इन्हें MLC बनाकर नीतीश कुमार जी क्यों झूठ मूठ का लांछन अपने ऊपर लेंगे? किसी के प्रति आखिर उन्हें एक बनाया गया है मंत्री भवन निर्माण का, दूसरी पार्टी से आए हैं, इनको चुनाव लड़ाया जाए और ये चुनाव बहुत बुलंदी से लड़ेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। अब ये बातें कुछ लोग कह रहे हैं कि RCP सिंह चाहते थे कि ऐसा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अपने आसपास के लोगों की परीक्षा कभी कभी लेते रहते, जैसे शंकर भगवान लेते रहते हैं, तो हो सकता है कि महादेव की भी इच्छा यही रही हो। और आज परिस्थिति यह है कि उस मीटिंग के बाद ये बात तय कर दिया गया कि अशोक चौधरी को चुनाव लड़कर ही दोबारा मंत्री बनना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? और कुछ लोगों ने तो नाम भी सजेस्ट कर दिया, दो विधानसभा सीटें बताई गई, एक जो उनका पैतृक निवास है उस जगह से कहा गया कि बरबीघा से चुनाव लड़िए, जहां से अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक सुदर्शन हैं, और सुदर्शन कहा जाता है कि बहुत अच्छा इनका पटता है सुदर्शन सिंह से जब ये कांग्रेस में थे। और दूसरा जो नाम सुझाया गया वो सुझाया गया सिकंदरा, जहां से बंटी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अब बंटी चौधरी कौन है? तो बंटी चौधरी भी इन्हीं के जात जमात से आते हैं अशोक चौधरी के, और ये बंटी चौधरी को भी टिकट मिला था अशोक चौधरी के कहने पर ही। माने बात समझिएगा जरा सा, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के राइट हैंड बन रहे थे। अशोक चौधरी के राइट हैंड कौन है? तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि बंटी चौधरी राइट है और सुदर्शन लेफ्ट है, ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन गेम क्या खेला गया? गेम ये खेला गया कि अशोक चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, MLC नहीं बनाया जाएगा, और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दो सीटें दी गई, दोनों में से चुनना होगा, या तो सुदर्शन के खिलाफ लड़िए या बंटी चौधरी के खिलाफ लड़िए। यानी समझ लीजिए गेम तो बहुत बड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं ऐसा फंसा दिया गया है कि गुरु वर्सेस चेला शुरू हो जाएगा लड़ाई ये कहीं ना कहीं। और इस वजह से जो एक बड़ा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी का ये दांव है, अशोक चौधरी का कद पार्टी में घटना ऑलमोस्ट तय लग रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खास बात है कि जब किसी व्यक्ति की उपयोगिता खत्म हो जाती है नीतीश कुमार की नज़र में, तो उस व्यक्ति को वो अपने से दूर करने में देरी नहीं करते हैं। अशोक चौधरी को एक काम दिया गया था, कि वो कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अपनी तरफ लेकर आए, लेकिन अभी तक अशोक चौधरी ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि हम आपको बता दें कि अशोक चौधरी में वो ताकत है कि वो चाह दें तो कांग्रेस के 10-12 विधायकों को तो ऐसे ही तोड़ दें, लेकिन ये बातें तो तब भी हो सकती थी जब अशोक चौधरी जदयू में आए थे। उस दौरान अशोक चौधरी की ताकत चेक करने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा मौका दिया था, लेकिन अशोक चौधरी MLAs को तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने सारे MLCs को तोड़कर उस समय कांग्रेस में जो मौजूद थे उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। अब एक बात समझिएगा, अशोक चौधरी के साथ तत्कालीन उस समय 4 MLCs गए थे, तो 4 MLC वो जो गए थे उन्हें भी कहीं ना कहीं मनोनयन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये 12 सीटें हैं, इसमें 5 अगर RJD के पास चली जाती हैं, कुछ सीटों को एडजस्ट किया जाएगा MLA जो जिनका टिकट कटेगा उसमें, और 4 अशोक चौधरी के साथ आए थे, तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी तो मुफ्त में भी महंगा पड़ रहा है ना नीतीश कुमार को। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? नीतीश कुमार चाहेंगे कि अशोक चौधरी या तो चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं सहयोग करें मुख्यमंत्री बनने में, या फिर अगर वो उपयोगी नहीं है, अगर चुनावी राजनीति वो नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बलि दे दी जाए। और ऐसा जब तक RCP सिंह रहेंगे नीतीश कुमार के आसपास और ललन सिंह, तब तक हो नहीं सकता है कि किसी और को उस जगह पर पहुंचने की इजाज़त दी जाए। तो अंदरूनी आपने देखा अब तक कि बिहार की राजनीति में पॉलिटिक्स खूब होता है, महागठबंधनों में आपस में पॉलिटिक्स होता है, जो मांझी जी हैं वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, तेजस्वी यादव किसी और पर हमला कर देते हैं, कांग्रेस तेजस्वी पर हमला करती है, हमने देखा है कि भाजपा के कई विधायक हैं नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। लेकिन आप अब तक ये नहीं समझ पाए थे कि हर पार्टी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, सदस्य होते हैं और वो भी आपस में राजनीति खूब करते हैं, चाहे विधायकों के टिकट के लिए हो, चाहे MLC टिकट के लिए हो, या फिर पार्टी में पद बढ़ाने को लेकर हो। और वैसे भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार के पास पहुंचने में, नीतीश कुमार को अगर आप
उस लालटेन की तरह समझिए जो खूब लालहा कर चमक रहा हो और आसपास जितने भी कीड़े फतिंगे हो सब उड़कर वहां पहुंचते हैं। और होता क्या अंत में, आप अगर लालटेन तक पहुंच भी जाइए तो क्या होगा, कीड़े फतिंगे जल जाते हैं और जलने के बाद क्या होता है, वही होता है जो आज हो गया है इनका। तो ये खबर ये थी, इस खबर के साथ अगर आपको इत्तेफाक हो तो खबर को शेयर कीजिए, अगर नहीं लगता हो तो इंतज़ार कीजिए, जिस दिन होगा उस दिन सत्यापित हो जाएगा कि एक और भविष्यवाणी न्यूज़ बिहार की और भारत लाइव की सही हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।